पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई बताते हैं, भारत का तीसरा मेडल आ चुका है और 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीता है। तो स्वप्निल कुसले ने ये ब्रॉन्ज जीता है और 50 मीटर राइफल में इस ब्रॉन्ज को जीता गया। तो ओलंपिक में भारत का तीसरा मेडल अब आ चुका है। तो मनु भाकर के दो ब्रॉन्ज मेडल के बाद अब तीसरा मेडल भी शूटिंग में हमें मिल चुका है। तो 50 मीटर राइफल में अब ब्रॉन्ज भारत ने जीत लिया है और अब भारत का मेडल का आंकड़ा कुल मिलाकर 3 पहुंच चुका है। हालांकि अब तो गोल्ड और सिल्वर पर हम अपना हाथ नहीं जमा पाए हैं, लेकिन 3 ब्रॉन्ज हमारे खाते में जमा हो चुके हैं। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का तीसरा मेडल स्वप्निल कुसले ने जीता, 50 मीटर राइफल में ये ब्रॉन्ज जीता है और भारत के लिए एक बड़ी खबर। तो जरूर ही ये उत्साह का विषय बन जाता है जब पेरिस ओलंपिक पर पूरे भारत की नजरें हैं और सभी लोग नजरें गड़ाए हुए हैं। हालांकि गोल्ड मेडल पर इस साल पिछले साल से भी ज्यादा मेडल लाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल भारत ने 7 मेडल जीते थे और इस साल भारत का लक्ष्य है 10 से ज्यादा मेडल जीतने का, या जितने जीते जा सकते हैं। तो ऐसे में शूटिंग में ही एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है भारत के खिलाड़ी स्वप्निल कुसले ने। 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीता है और पेरिस ओलंपिक में एक बड़ी उपलब्धि भारत के नाम, आज तीसरा मेडल। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल हमारे खाते में आया है, लेकिन बड़ी उपलब्धि इसे कहा जाएगा। 50 मीटर राइफल में भारत ने ब्रॉन्ज जीता है, स्वप्निल कुसले के दम पर आज एक और ब्रॉन्ज भारत के खाते में। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, न्यूज हेड शरद जी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, बड़े आस लगा के इंतजार कर रहे थे सभी भारतवासी कि कब भारत का तीसरा मेडल आएगा, और आज ये बड़ी खबर, 50 मीटर राइफल में आज हमने ब्रॉन्ज जीत लिया है। क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और ये जो निशानेबाज हमारे हैं, ये कमाल कर रहे हैं। और इसके पहले हमारी जो महिला निशानेबाज हैं, उन्होंने धमाका किया, और अब हमारे ये खिलाड़ी जो हैं, इन्होंने एक जबरदस्त प्रदर्शन करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो कुल मिलाकर अब तक की जो प्रगति है, अगर मैं बात करूं ओलंपिक की, तो काफी महत्वपूर्ण है। 50 मीटर राइफल में तीसरे नंबर पर रह के स्वप्निल कुसले ने ये मेडल जीता है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों ही मेडल अब तक जो आए हैं वो निशानेबाजी से आए हैं। किसान के बेटे हैं स्वप्निल काले की अगर हम बात करें, तो कुल मिलाकर काफी अच्छा है। अब देखना है कि हमारे बॉक्सर्स क्या करते हैं। निकट पर हमारी उम्मीद, अगर हम बात करें तो उसके पहले मनु की हम बात करें, सरबजोत सिंह की बात करें, तो तमाम इन खिलाड़ियों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। लेकिन अभी संधू पर हमारी निगाह है, हमारी जो बेहतरीन रेसलर हैं, और इसके अलावा हमारे रेसलर्स जो हैं, और मुझे लगता है कि बॉक्सिंग में भी हमको फिगर क्रॉस करके रखना चाहिए। जी शिवा जी, शरद जी, तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम भारतवासियों के लिए ये बेहद अच्छी खबर, खुशखबरी है। और हॉकी, मुक्केबाजी, साथ ही तीरंदाजी में भी अब हम आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि आज इन सभी मुकाबलों में भारत का मुकाबला होना है। और भारत लगभग बड़े खेलों में, आज पीवी सिंधु की बात करें या हम आर्चरी की बात करें, टॉप 16 में भारत ने जगह बना ली है। और अब नजरें हमारी होंगी हॉकी, तीरंदाजी और बैडमिंटन जैसे खेलों पर भी, जहां हमें गोल्ड की आस अब भी है। तो फिलहाल स्वप्निल कुसले ने भारत को एक बड़ी उपलब्धि दिला दी है और तीसरा ब्रॉन्ज आज भारत के खाते में पेरिस ओलंपिक के गेम में आ चुका है। तो हालांकि कल तक भारत 22वें नंबर पर था और अब भारत की रैंकिंग भी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि 3 मेडल कुल भारत के खाते में आ चुके हैं, 3 ब्रॉन्ज ही सही। लेकिन फिलहाल भारत को ब्रॉन्ज के साथ ही समाधान करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी बड़ी खबर, क्योंकि लगातार 3 मेडल तीनों शूटिंग में, पहले 10 मीटर राइफल शूटिंग में, इसके बाद आज 50 मीटर राइफल शूटिंग में भारत का तीसरा मेडल। तो पेरिस में लगातार ओलंपिक्स जारी है और पूरे भारत की नजर अब बनी हुई है। मनु भाकर ने रिकॉर्ड ब्रेक कर लगातार एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली खिलाड़ी वो बन गई, जिसके बाद अब स्वप्निल कुसले ने भी
नया रिकॉर्ड बनाया 50 मीटर राइफल में, ये भारत का पहला मेडल है।